बिहार से नदी में पानी गहरा है, घाट पर कोई भी तीर्थ पर जाओ, कोई भी गंगा, कोई भी जैसे गंगा जाओ, जमुना जाओ, गोदावरी जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं पे भी जाओ तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करके और दीपक को गंगा में बहाना चाहिए। इससे क्या होता है, तो पितरों को खूब अच्छे, उनको बहुत पानी मिलता है, उनके ठंडे पानी में रहते हैं वो, वैकुंठ में वास मिलता है उनको, दूधों की तड़ाई में रहते हैं वो, खूब उनको आराम मिलता है अपने पूर्वजों को। इसलिए तीर्थ पे जाओ तो जरूर जरूर पूजा करो और दीपक जरूर जलाओ। दीपक जलाओगे तो अपने घर में भी उजाला रहेगा, पितरों के भी उजाला रहेगा, पितर खुश रहेंगे कि मेरे परिवार है, मेरा परिवार मेरा आज इतना अच्छा सम्मान कर रहा है, मेरे को पानी दे रहा है। ऐसे ऐसे दोनों हाथों में लेके ऐसे पितरों को पितरों को पानी दो, ये बुजुर्गों जो भी पितर हो सुख शांति रखना, और आपको तीन बार पानी दो, ऐसे मैं तीन बार दो ऐसे पानी। ये भगवान सब ठंडे सीले रहो, सब परिवार को भी खुश रखना, पियर ससुराल ननिहाल ददियाल अस्ती बस्ती बस्ती माता आड़ी पड़ोसी सबको सुख शांति रखना, सब का भगवान खूब खुश रखना उनको, सब ऐसे करके और पानी दो तीर्थ के ऊपर। महादेव शुभ्रा गंगा मैया की जय हो, जय हो, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये देखा आपने, शॉर्ट एंड स्वीट जिसे हम कहते हैं। कुछ नहीं ज़्यादा अपने को करना है, तो खाली पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित करके तीर्थ स्थान का, गंगा मतलब नदियों के पूजन पाठ का महत्व जानकर उनका लाभ लिया जा सकता है, और इतना करके अपने बुजुर्गों का, अपने पितृदेव का पितृदेव को शांति प्लस उनको पानी और भोग का जो भी एक प्रसाद होता है वो पहुँचाया जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो अंत करेंगे। हर हर महादेव।